भैया जी हेलो, कैसे हो आप? मैं बढ़िया भैया, आप? अच्छा, तो भैया जी इंटरनेट पर ना काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो मुझे ना सबसे पहली चीज़ एक चीज़ ये जाननी है कि चाय के साथ साथ डांस स्टेप, ये आपके माइंड में कैसे आया कि चाय के साथ साथ ना डांस स्टेप करना चाहिए? तो मैं इससे पहले डांस सिखाता था, 8 साल हो गए मुझे डांस सिखाते हुए, तो मैंने जॉब छोड़ दी और इसलिए छोड़ी क्योंकि 4 साल से कंपनी ने मेरे पैसे नहीं बढ़ाए थे। ठीक है, तो इसलिए छोड़ दी, लेकिन कुछ करना भी था तो खाली नहीं बैठ सकते जी। खाने कमाने की उम्र, अकेडमी खोलने के पैसे नहीं थे जी, तो जितने थे तो एक छोटा सा सेटअप कर लिया, लेकिन डांस में छोड़ना नहीं चाह रहा था जी, तो इसलिए मैंने डांस और चाय को मर्ज कर लिया। तो मुझे लगा कि कुछ अलग करके जाते, चाय तो सब लोग बेच रहे हैं, डांस भी बहुत सब लोगों को पसंद होता मोस्टली, तो मुझे लगा कि चलो इससे लोग कम से कम अट्रैक्ट होके चाय पीने तो आएंगे, तो जो चाय पिएगा उसको मैं डांस सिखा दूंगा। अच्छा, तो बेसिकली अगर जो चाय पीने आएगा तो चाय के साथ साथ आप उसको पूरा एंटरटेनमेंट करोगे? देखो वैसे तो इस पर डांस लिखा हुआ, मैं डांस सिखा दूंगा, एक स्टेप दो स्टेप जितने उसको सीखे, और दूसरा मैं रैप करता हूँ, मैं रैप सुना दूंगा, मैं शायरी करता हूँ, शायरी सुना दूंगा, तो बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। मतलब कि ऑलराउंडर, रैपर भी हो, सिंगर भी हो, डांसर भी हो? सिंगर नहीं हूँ मैं, शायरी लिख लेता हूँ, रैप लिख लेता हूँ, रैप करता हूँ और डांस कोरियोग्राफर। अच्छा अच्छा, तो भाई जैसे कि देख सकते हो एक तरह से ना आप बोल सकते हो कि ये ऑलराउंडर है, लेकिन इनको जो मेन पैशन है ना, मैं आपको बता दूँ, मेन पैशन जो है इनका डांस का है। तो इन्होंने बताया कि इनको डांस में काफ़ी ज़्यादा हॉबी है, और वो उन्हीं हॉबी को उन्होंने क्या काम करा कि अपने बिजनेस के अंदर ना ऐसे डाल दिया कि चाय के साथ साथ ही ना आप लोगों को डांस दिखाना शुरू कर रहे हैं। तो इससे पता बेनिफिट क्या है कि आप जो भी आते हो, कपल्स के साथ आते हो या सिंगल आते हो, तो आप आके ना इनकी चाय को इंजॉय कर सकते हो। तो भैया चाय के आपने जो प्राइस है, प्राइस क्या कर रखे हैं? भैया सिंगल के लिए 12 और कपल के लिए 15 और फौजियों के लिए फ्री। अच्छा, ऐसा क्यों है कि कपल के लिए ज़्यादा रेट है? ये जो लड़का लड़की अफोर्ड कर सकता है 3 रुपये एक्स्ट्रा दे सकता। हाँ, ये बिल्कुल सही। एक बार मैं देखना चाहूँगा कि आप किस तरह से ना चाय को तैयार करते हैं, तो एक बार शुरू करिए। तो चाय मैं लगवा देता हूँ, तो भैया जी मुझे आप चाय पिला दो, और मैं सिंगल हूँ भैया, मेरे क्या रेट होंगे? आपके लिए 12 रुपये, तो एक चाय पिलाओ। तो जी ऑलरेडी इन्होंने क्या है कि चाय को ना बना के रख रखा है, इनसे मेरी बात हुई है, तो ये आ गई इनकी चाय है, और चाय भी देख लो काफ़ी फ्रेश लग रही है। अब बाकी मैं इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट करके बता देता हूँ। तो ये जी आ गई हमारी चाय। तो जी भैया चाय तो आपने दे दी, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ आपकी रह रही है आपका डांस स्टेप, तो ये आज ना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप डांस करके दिखाओगे या रैप करके दिखाओगे, जो आपके मन में हो वो चीज़ कर दो आप। दोनों चीज़ें कर देता। ठीक है, तो शुरू हो जाइए फिर। हाँ जी, मिरर सेक्शन है जो मोस्टली सबको दिखाता हूँ। अरे वाह जी वाह, ये हैंड पे होती है, ये एक गर्दन का स्टेप होता है जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ और डिफरेंट और दिखा नहीं सकता? हाँ ये बात भी। और बाकी ना नीचे एक छोटी सी ना लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है, वही लाइन ना मेरे को अभी पसंद आ रही है, जिंद आड़ा देसी चाय ऑफिशियल। तो ये मैंने इंस्टाग्राम पर सर्च कर रहा था, उसके बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो एक बार आ सकते हो, और एड्रेस की मैं आपको बता दूँ, आप कहीं से भी आते हो ना तो सीधा GTV नगर का मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन पर उतर के गेट नंबर 1 के पास आप आओ और इनसे डायरेक्ट मिल सकते हो। इसके अलावा चाय तो मिलेगी मिलेगी, और चाय के साथ साथ फ्री में जो डांस स्टेप आपको मिलेंगे उसकी बात ही अलग है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आती रहे और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जब तक के लिए बाय।